हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बर्ड्स के बारे में बताऊंगा कि जो इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है ब्लू फ्रंटेड अमेजॉन। ब्लू फ्रंटेड अमेजॉन साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इस अमेजॉन पैरट के हेड पर एक ब्लू मार्किंग होता है, जिसकी वजह से उसे ब्लू फ्रंटेड अमेजॉन कहा जाता है। इस पैरट को बातें करने सिखाने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। यह पैरट ह्यूमन वॉइस तभी नकल कर सकते हैं जब वो अच्छी तरह से सोशलाइज हो। अगर आप इन पैरट को अच्छी तरह ट्रेन करोगे तो वो घंटों तक बात कर सकता है, और ये ब्लू फ्रंटेड अमेजॉन सॉन्ग्स भी गा सकता है। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है येलो क्राउन अमेजॉन। येलो क्राउन अमेजॉन साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका में के जंगलों में पाया जाता है। इन पैरोट के स्पेसीज में कुछ पैरोट बहुत ही अच्छे तरह से टॉकिंग कर सकते हैं, तो कुछ पैरोट कभी बात नहीं करते। येलो क्राउन अमेजॉन की बात करने की एबिलिटी उसके आसपास के एनवायरनमेंट पर और ह्यूमन इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है, और येलो क्राउन अमेजॉन का वॉइस थोड़ा लाउड होता है। उसके बाद 8 पर आता है कॉकेटू। कॉकेटू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कॉकेटू एक बहुत ही स्पेशल बर्ड है और वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल सकता है। कॉकेटू की बात करने की एबिलिटी उसके ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है। दुनिया में कॉकेटू के और भी स्पेसीज हैं, जिनमें रोज ब्रेस्टेड कॉकेटू, येलो क्रेस्टेड कॉकेटू और लॉन्ग बिल्ड कॉकेटू अच्छी तरह बात कर सकते हैं। कॉकेटू को बात करना सिखाने के लिए रेगुलर बेसिस पे उसे एक वर्ड रिपीटेडली सुनाना पड़ता है। उसके बाद 6 नंबर पर आता है मॉन्क पैराकिट। मॉन्क पैराकिट साउथ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में पाया जाता है। दूसरे टॉकिंग बर्ड्स की तरह मॉन्क पैराकिट को भी बात करना सिखाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और केयर की ज़रूरत होती है। मॉन्क पैराकिट वही वर्ड्स बोलता है जो वो रिपीटेडली सुनता है, और यह पैरोट कभी कभी अपने आसपास के आवाज़ भी मिमिक कर लेता है। और 5 पर है इंडियन रिंगनेक पैरट। इंडियन रिंगनेक पैरट मोस्टली इंडिया में पाए जाते हैं। यह पैरट 200 से 250 वर्ड्स बोल सकते हैं। इनको टॉकिंग सिखाने के लिए उनके साथ अच्छे से इंटरेक्शन करना पड़ता है। इंडियन रिंगनेक पैरट बहुत बार आसपास के ह्यूमन वॉइस सुनकर अपने आप ही टॉकिंग करने लगते हैं। नंबर 4 पर है इक्लेक्टस पैरट। इक्लेक्टस पैरट न्यूजीनिया आइलैंड्स पर पाया जाता है। इक्लेक्टस पैरट की बात करने की एबिलिटी और वोकेबलरी बहुत ही अच्छी होती है। कुछ इक्लेक्टस पैरट पूरा की पूरा सॉन्ग भी गा सकते हैं। इक्लेक्टस पैरट ह्यूमन वॉइसेस और दूसरे अट्रैक्टिव आवाज़ सुनकर उसको रिपीट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है येलो नेप्ड अमेजॉन। ये पैरट अमेजॉन फैमिली का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड टॉकिंग बर्ड है। येलो नेप्ड अमेजॉन बहुत सारे वर्ड्स बोल सकता है। ये पैरट यंगर एज में ही टॉकिंग करना सीख जाता है। ये पैरट वर्ड्स के साथ साथ बड़ी फ्रेजेस भी बोल सकते हैं। ये पैरट अपनी लाइफ में एक ही पर्सन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और येलो नेप्ड अमेजॉन सॉन्ग्स भी गा सकते हैं। Aww. What you doing? Aww. Hi there.
But sing opera. नंबर दो पर है बजरीगर। बजरीगर पैरट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये पैरट साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। 1995 में एक बजीज पैरट ने गिनीज बुक रिकॉर्ड किया था, जिसमें उस पैरट ने 1728 वर्ड्स बोले थे। सभी बजीज इतने वर्ड बोल नहीं पाते, कुछ बजीज 300 से 500 वर्ड्स एंड सेंटेंस बोल सकते हैं। लेकिन आपको बजीज को बोलना सिखाना है तो आपको एक ही बजीज पालना पड़ेगा। बजीज में फीमेल से ज़्यादा मेल बजीज अच्छा टॉकिंग करते हैं। और इस लिस्ट में नंबर वन पर है अफ्रीकन ग्रे पैरट। अफ्रीकन ग्रे पैरट को पूरे वर्ल्ड में स्मार्टेस्ट टॉकिंग पैरट माना जाता है। अमेजन पैरट की तरह अफ्रीकन ग्रे पैरट भी अपने ज़िंदगी में एक ही पर्सन के साथ बॉन्ड बनाता है। अफ्रीकन पैरट की बात करना सीखने की एबिलिटी दूसरे पैरट से फास्ट होती है। अफ्रीकन पैरट बात करने के अलावा और भी अलग अलग आवाज़ निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।